नमस्कार, मैं अनिल। मेरे YouTube चैनल अनिल टॉप स्टडी में आप सभी का तहे दिल से अभिवादन करता हूं। आज हम लोग जानेंगे कि RRB ग्रुप डी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट ने कहा कि सर, मेरा NTPC का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, अब आप ग्रुप डी के बारे में भी कुछ बताइए, क्योंकि अभी NTPC का एग्ज़ाम लगभग ख़त्म हो चुका है और अब ग्रुप डी का एग्ज़ाम की बारी है। आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि रेलवे का कोई भी जॉब छोटा या बड़ा नहीं होता है। रेलवे अच्छी खासी सैलरी देती है और जिससे एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है, और रेलवे में प्रमोशन भी होता है, क्योंकि जिसका ग्रुप डी में हो गया है 2-3 साल बाद उसका प्रमोशन होके अच्छा खासा गुड्स गार्ड या फिर अन्य पोस्टों में उसका पोस्टिंग हो जाता है। तो ये ग्रुप डी का आप लोगों का एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जिससे कि आप लोग अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप डी का कट ऑफ या फिर सेफ स्कोर जानने से पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रीवियस ईयर में इसका कट ऑफ कितना रहा था या फिर इसका कैंडिडेट ने कितना अप्लाई किया था। तो मैंने पूरा बहुत ही विश्लेषण किया है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि RRB ग्रुप डी 2018 में टोटल वैकेंसी आपका 62,907 था और टोटल एप्लीकेशन आए थे 1,89,00,000, और कंपटीशन आपका देखिए 301 कैंडिडेट पर सीट था, जो काफ़ी अधिक था, ये बहुत ही अधिक था। और ग्रुप डी में हाईएस्ट और लोवेस्ट कट ऑफ गया था, जनरल के लिए 80, OBC के लिए 72, SC के लिए 71 और ST के लिए 60। वहीं अगर हम लोवेस्ट की बात करेंगे तो जनरल का लोवेस्ट कट ऑफ गया था 62, OBC का 56 और SC का 34 और ST का 48। तो ये मेरा प्रीवियस ईयर का था कि प्रीवियस ईयर में इसमें कितना था। और इस बार जो ग्रुप डी का 2019 में फॉर्म आया है, ये तो था RRB ग्रुप डी, लेकिन इस बार जो आया है RRC, ये पिछली बार आया था, ये बोर्ड वाइज आया था, लेकिन इस बार जो आया वैकेंसी वो आया है आपका जोन वाइज। तो ये है RRC ग्रुप डी 2019। RRC ग्रुप डी 2019 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 1,03,769, जो काफ़ी अधिक वैकेंसी है। उसके बाद आपका टोटल एप्लीकेशन इस बार आए हैं 1,15,00,000 और पिछले बार आए थे 1,89,00,000। तो आप लोग कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें कितना का डिफरेंस हुआ है। उसके बाद कंपटीशन अगर हम देखेंगे, देखिए कंपटीशन यहाँ पर 301 कैंडिडेट पर सीट था और इस बार का जो कंपटीशन है वो कंपटीशन है आपका लगभग 2.5 112 कैंडिडेट पर सीट, और कंपटीशन का रेशियो लगभग 2.5 गुना कम हुआ है। तो ये देखिए इस बार ग्रुप डी में जॉब लेने का सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 1,00,000 वैकेंसी, ये बहुत ही कम वैकेंसी है, सॉरी बहुत ही अधिक वैकेंसी है, और ऐसा वैकेंसी शायद दोबारा हमें देखने को ना मिले। तो इसलिए जो भी बच्चे अभी ग्रुप डी का रेगुलर 2-3 घंटा भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए इनफ है कि वो ग्रुप डी का उसका नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जो बच्चे ये सोचकर अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम डेट आएगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे, आपको बता दें कि एग्ज़ाम तो हो ही रहा है, जैसे कि आप लोग देखें NTPC, इसके बाद आपका CHSL, SSC सबका एग्ज़ाम हो ही रहा है, तो इसका भी एग्ज़ाम होगा। हाँ, बहुत अधिक संख्या में कैंडिडेट होने के कारण इसका थोड़ा कैंडिडेट को वेट करना पड़ सकता है, लेकिन एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम डेट आएगा
उसके बाद आप इसका तैयारी करेंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके बाद हम आप लोग को बता दें कि जो ये एलपी टेक्नीशियन का 64371, जूनियर इंजीनियर 14033 और पिछला ग्रुप डी का 62907, टोटल 141311 कैंडिडेट ने लगभग कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग कर लिया है। और जो कैंडिडेट आपका ज्वाइनिंग कर लिया है लगभग इसने भी इस फॉर्म को फिल किया होगा। ये तो आप सबको पता है कि इसने भी फॉर्म फिल किया होगा। तो इतने कैंडिडेट आपके जो अच्छे कैंडिडेट जिसको आप बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छे कैंडिडेट थे जिनका सिलेक्शन हो चुका है और वो नहीं चाहेंगे कि वो फिर से ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे, तो इससे आपका थोड़ा सा कंपटीशन में आपका 1% आपका कट ऑफ में डिक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है। तो आइए हम लोग अब जानेंगे कि इसका सेफ स्कोर कितना होगा। आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आरआरबी ग्रुप डी का जो 2021 का सेफ स्कोर हो सकता है वो सेफ स्कोर हो सकता है आपका जनरल के लिए 63 से 68, ओबीसी का 60 से 63 और ईडब्ल्यूएस का 55 से 60, एससी का 45 से 52 और एसटी का 40 से 48। ये आपका रो मार्क्स है। मैं इससे कम भी बता सकता था, इससे कम वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मैं इससे कम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अधिक को कोई नहीं सकता है। अगर कम आएगा तो आपका चांसेस कम हो सकते हैं, लेकिन आपको केवल आपको पीटी नहीं निकालना है, आपको इसमें सिलेक्शन भी लेना है। इसलिए मैंने इसका स्कोर थोड़ा 5 नंबर अधिक करके ही आपको बताया है। तो ये आपका रो स्कोर रहा है और इसलिए आप लोग इसका तैयारी शुरू कर दीजिए। चाहे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप इसका तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि रेलवे का कोई भी जॉब, मैं पहले बता चुका हूं कि रेलवे का कोई भी जॉब खराब नहीं होता है, वो अपने कर्मचारी को कभी भी नाखुश नहीं करता है, उसके कर्मचारी हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि वो इतना वेतन उसको प्रोवाइड करता है कि उसका जीवन अच्छे से जी ले। तो ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और अपना तैयारी जारी रखिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।